आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट और टेस्टी बनने वाली आलू बीन्स की सब्जी, जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और ये सब्जी आप बच्चे और बड़े दोनों के टिफिन में दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल कुकिंग का भरमार में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, पैन गरम हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे मैंने खलबत्ते में कूट लिया है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं की है। मिला लेना है अच्छे से सबको। अब इसमें 1 प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छे से मिला लेना है और हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है प्याज को। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, टमाटर को भी अच्छे से मिला लेना है प्याज के साथ। ये देखिए, टमाटर को भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इस पर ढक्कन रख देते हैं और 2 मिनट टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए, टमाटर भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़े से मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी। मिक्स करना है अब सबको। ये बहुत सिंपल सब्जी है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। आप इसे नॉर्मल भी बना सकते हैं और सुबह के टिफिन के लिए तो और भी अच्छी होती है। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इस सब्जी को बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। ये देखिए, मसालों को भी मैंने मिलाते हुए 1 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बीन्स। ये 250 ग्राम बीन्स है, छोटे छोटे कट करके अच्छे से धो लिया था मैंने इसे। और ये 2 आलू हैं, इसे भी मैंने छोटा छोटा कट किया है। आप चाहे तो मीडियम काट कर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेना है सबको अच्छे से। अब कुछ स्पेशल मसाले नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सब्जी एकदम नॉर्मल मसालों में बन जाती है। ये देखिए, सब्जी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, ताकि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए। मिला लेते हैं फिर से। अभी इसे ढक देते हैं और 10 मिनट पका लेते हैं अच्छे से। एक बार बीच में चेक जरूर कीजिएगा। ये देखिए, गर्मा गर्म हमारी मस्त आलू बीन्स की सब्जी रेडी है। आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल और टेस्टी और झटपट बनकर रेडी। ये देखिए, तो चलिए प्लेट में इसे सर्व करते हैं।